नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार क्लास में। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, संधि वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हम लोग संधि की प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इन प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि जो RRU क्लासेस हैं आप सभी के लिए फ्री बैच आपको प्रोवाइड करा रही है। जितने भी लोग UPP UPSI की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि किसी भी देश में किसी भी कोई भी ऐसी भर्ती है जहाँ पे पुलिस से यानी कि फोर्सेस से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सर्विस है, तो यहाँ पे क्या करती है, RRU क्लासेस आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आप सभी लोग RRU से जुड़िए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। तो हम लोग संधि पढ़ रहे थे, तो संधि के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग एक एक तरीके से एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो संधि का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। करीब करीब 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा और जवाब देने का प्रयत्न करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद है, तो स्वर संधि के भेद क्या क्या होते हैं तो बताइएगा। आप सभी को बताया है कि स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि के अगर कुल भेद की बात करें तो कितने हैं, कुल पांच भेद हैं। कितने भेद हैं, कुल पांच भेद हैं। कौन कौन से हैं तो बताइएगा। पांच भेद में सबसे पहला भेद कौन सा है आपका, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरा कौन सी है अपना, दीर्घ स्वर संधि के बाद में आपकी आती है कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी, सॉरी, दीर्घ के बाद में आती है आपकी कौन सी, गुड़ गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि के बाद में आपकी कौन सी आती है, गुड़ स्वर संधि। और गुड़ स्वर संधि के बाद में आपकी जो तीसरी संधि है वो कौन सी होती है, गुड़ के बाद में हो जाती है आपकी वृद्धि। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, तीसरी संधि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और चौथी आपकी कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। और चौथी आपकी कौन सी होती है तो बताइएगा, चौथी आपकी जो है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और यड़ स्वर संधि के बाद में जो पाँचवीं आपकी संधि होती है वो कौन सी हो जाती है, यड़ के बाद में आपकी हो जाती है पांचवी अयाध स्वर संधि। कौन सी होती है, अयाध स्वर संधि है। तो यहाँ पे कुल कितने भेद हैं, कुल पांच भेद हैं। कौन कौन से हैं, ये भेद आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जो लोग लाइव हैं भाई कमेंट करते रहिएगा, जो लोग रिकॉर्डेड बाद में देखेंगे तो वो लोग भी प्रैक्टिस में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो कोई आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो क्वेश्चन गलत होने के बाद में जब आपको उसका सही जवाब पता चलता है तो क्या होता है, आपको वो चीज़ें परमानेंट के लिए याद हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संधि के भेद हैं, कह रहा है दीर्घ स्वर संधि, अयाध है, वृद्धि है, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिएगा इसमें से सभी हैं, दीर्घ स्वर संधि ये आपकी होगी, अयाध ये होगी, और क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ये क्या है, संधि के दीर्घ स्वर संधि के भेद है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि पहले का जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग इसका जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए तो हम लोग वेट करते हैं 2 सेकंड के लिए और 30 सेकंड के लिए वेट करते हैं, और तब तक सभी लोग अपना जवाब देते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर से वही बात कर दिया, फड़िंद है, श्री से, रजनी से, और क्या, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखिएगा दीर्घ स्वर संधि में आपको तीन स्वर देखने को मिलेंगे, दीर्घ आ देखने को मिलेगा, दीर्घ ई देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, दीर्घ उ, आपको तीन स्वर देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे ये सर, मिलेंगे दूसरे, ठीक है, दूसरे या फिर तीसरे वर्ड पे। किस पे, तीसरे वर्ड पे, ठीक है, दूसरे या फिर तीसरे वर्ड पे, तीसरे वर्ड पे आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। कभी कभी आपको ये पहले पे भी मिल जाएगा। सर आपने तो सभी बता दिए कि पहले पे भी मिल जाएगा, दूसरे और तीसरे पे भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि दूसरे और तीसरे वर्ड पे मिले, ठीक है। कभी कभी आपको पहले वर्ड पे भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, फड़ी है प्लस इंद्र है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई प्लस ई मिलकर क्या बनना है, फड़ी के साथ में ई प्लस ई मिलकर क्या बनना है बताइएगा। दो ई मिल गई इंद्र, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, श्री, श्री के साथ में दीर्घ ई के साथ में फिर ईस मिला है, ठीक है, श्री के साथ में श्री हो जाएगा, ठीक है, श्री के साथ में क्या हो जाएगा बताइएगा, ईस हो जाएगा, ठीक है, श्री के साथ में ईस मिल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, श्रीस बन जाएगा। रजनी के साथ में क्या मिलेगा, रजनी, ठीक है, रजनी है, रजनी के साथ में क्या मिलता है, रजनी का जो रात्रि का देवता है, रजनी के साथ में अगर आप ईस मिला देंगे तो क्या होगा, रजनीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजनीस हो जाएगा। यहाँ पे भी दीर्घ ई के साथ में दीर्घ ई मिल रही, और क्या बनेगा आपका, दीर्घ ई बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रजनीश, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दो का डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब आपका।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो बताइएगा सही जवाब क्या हो रहा है। कह रहा है लघु प्लस ऊर्मि, आपको बताया गया, क्या बताया गया अभी आपको, जहाँ पे दीर्घ आ, ठीक है, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ दिख जाए किस पे, दूसरे या तीसरे वर्ण पे, कहाँ पे, दूसरे और या तीसरे वर्ण पे, दूसरे या तीसरे वर्ण पे आपको दिख जाए, ठीक है, तीसरे वर्ण पे दिख जाए, आप वहाँ पे क्या करेंगे, दीर्घ स्वर संधि लगा के ठीक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, लघु, तो लघु दूसरे वर्ण पे क्या है, दीर्घ ऊ दिख रहा है। ठीक है, दूसरे वर्ण पे क्या दिख रहा है आपको, दीर्घ ऊ दिख रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पे स्वर संधि है, और स्वर संधि का कौन सा भेद है, दीर्घ स्वर संधि, कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का क्या होगा, भेद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, चलिए आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि का भेद हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, स्वर संधि का भेद है, और स्वर संधि में भी कौन सा भेद है, दीर्घ स्वर संधि का ये एक भेद है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का भेद नहीं है, कह रहा है संयुक्त संधि, गुणसंध, अयाति और दीर्घ स्वर संधि, आपको बताया गया है, क्या बताया गया है सर स्वर संधि के बारे में, तो स्वर संधि के बारे में बताया गया है क्या, तीन, कितने भेद हैं, कुल पांच भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, तो सबसे पहला कौन सा होता है, दीर्घ, कौन सा होता है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद में आपकी कौन सी होती है, बताइएगा, दीर्घ के बाद में आपकी आती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बाद में तीसरी कौन सी होती है, कौन सी हो जाएगी, ठीक है, तीसरी कौन सी हो जाएगी बताइएगा, गुड़ के बाद में हो जाती है वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि के बाद में फिर अगली कौन सी आती है, तो अगली बताइएगा कौन सी, वृद्धि स्वर संधि के बाद में जो आपकी अगली संधि आ जाती है उस संधि को हम बोलते हैं क्या, यड़ स्वर संधि, कौन सी, यड़ स्वर संधि, और यड़ स्वर संधि के बाद में जो अगली संधि आती है उसे हम क्या बोलते हैं, अयाद स्वर संधि, क्या बोलते हैं, अयाद स्वर संधि। तो आप सभी को पता हो गया, बार बार लिखाने का मतलब है कि आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, आपको चीज़ें याद हो जाएं, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे देखिए क्या, संयुक्त संधि, तो कोई संयुक्त संधि है, दीर्घ स्वर का भेद नहीं है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, इसका सही जवाब पहला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं है, ठीक है, गुड़ स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, और क्या है, दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पे आपके भेद है स्वर संधि के, तो ये हो जाएगा क्या, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 4 का A क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते हैं मस्त बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतोष में संधि है, संतोष में कौन सी संधि है, तो बताइएगा, यहाँ पे कोई आपको दीर्घ दिख रहा है, दीर्घ नहीं दिख रहा है, मतलब दीर्घ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो स्वर संधि का भेद अभी तो नहीं होगा फिलहाल, तो यहाँ पे देखिएगा जो संतोष है किससे मिलकर बना है, समधन क्या है, समधन किससे बना है, तोष से, किससे बना है, समधन तोष से मिलकर बना है, और जब यहाँ पे पहला वर्ड होता है क्या, व्यंजन होता है, यानी कि स्वर उसमें नहीं होता है, हल चिन्ह के साथ में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो विभाजन होगा, तो इन ये किसके माध्यम से बनते हैं, तो व्यंजन के माध्यम से, ठीक है, तो व्यंजन वर्णों के मेल से क्या होगा, बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि आपका 5 का जो ए है वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, 5 का क्या होगा सही जवाब, 5 का A जो है क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, अब स्वर संधि के बारे में पूछ रहा है पो धन अन, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जब आपको बताया गया है क्या अयाद स्वर संधि, तो अयाद स्वर संधि में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि अयाद जो स्वर संधि होती है, अयाद स्वर संधि में क्या होता है, जब आपका क्या होता है ए, तो ए किसमें बदल जाता है, ए में, ठीक है, ए किसमें बदल जाता है, ए किसमें बदल जाता है, आय में, ठीक है, ओ किस में बदल जाता है, औ में, किस में, औ में, और जो औ है उसको किस में बदल जाता है, औ किस में बदल जाता है, औ में, ठीक है, तो यहीं पे देखिएगा क्या है, आपको ओ दिख रहा है, तो ओ के स्थान पे क्या आएगा, जब हम पाको स्वर रहित करेंगे तो ओ स्वर निकलेगा, और ओ स्वर जब हम क्या करेंगे, इसको अन से जोड़ देंगे, तो ओ को जब आ से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, ओ कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वा में, किस में हो जाएगा, वा में, ठीक है, आए हो जाता है आए, औ, और क्या हो जाता है, औ, ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो लास्ट होता है वो स्वर रहित होता है, यानी कि इसमें स्वर नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वा बन जाएगा, और वा के साथ में क्या हो जाएगा, हल चिन्ह हो जाएगा, फिर ये हम आ इसमें जोड़ देंगे, और ये ना, ठीक है, ये इसमें आ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, वा, और यहाँ पे पा है, और इनको जोड़ देंगे, तो हमारा जो विकार होके शब्द बनेगा, क्या बनेगा, पवन बनेगा, क्या बनेगा,
पवन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे आ स्वर जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे वा हो जाएगा और ये ना हो जाएगा और ये पा यहाँ से आ जाएगा, क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा, ठीक है। तो पवन में कौन सी संधि है, पोधन अन पवन, ठीक है। अगर प होता तो क्या हो जाता, पावन हो जाता, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अयाद स्वर संधि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए के स्थान पे क्या हो जाता है, अय हो जाता है, अय के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के स्थान पे अ हो जाता है, और औ के स्थान पे क्या हो जाता है, आव हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दुस्तर में, दुस्तर में संधि विच्छेद होगा, तो दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, विसर्ग संधि का, क्या है, विसर्ग का सामय परिवर्तन, ठीक है। विसर्ग संधि है तो विसर्ग का किस में परिवर्तन, विसर्ग का सामय परिवर्तन, ठीक है, विसर्ग का सामय परिवर्तन, ठीक है, सामय परिवर्तन नियम लग रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा विसर्ग तो क्या हो जाएगा, दूधन तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ताल दंती सा में, और दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या बनेगा, दुस्तर, क्या बनेगा, दुस्तर, यहाँ पे ये आपका शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 7 का सही जवाब क्या होगा, 7 का सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि 7 का जो है सही जवाब क्या होगा, सी आपका विकल्प सही होगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, अभीष्ट तो आपको बता दिया है, पहले से बता दिया गया है, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। अगर यहाँ से पूछे कौन सी संधि होगी, तो कौन सी संधि होगी बताइएगा, अगर यहाँ पे संधि की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरे वर्ड पे क्या मिल रहा है, दीर्घ ई मिल रही है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, दीर्घ स्वर संधि होगी, कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि तो हो गई सर, ठीक है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, अभिधन ईष्ट, अभिधन ईष्ट, अभि आभिधन ईष्ट, या फिर अभिधन ईष्ट हो, ईष्ट हो जाएगा। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा, अभिधन ईष्ट, आभिधन ईष्ट, अभिधन ईष्ट, या फिर आभिधन ईष्ट। तो सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जितने लोग लाइव हैं तो एक लोग एक बार सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए, ठीक है। जो लोग लाइव हैं आप लोग जवाब दिया करिए, ठीक है, आंसर आए या ना आए लेकिन आप जवाब देते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और साथ साथ में आप जब गलत जवाब देंगे ना, तो उसके बाद में जब सही आंसर पता चलता है आपको, तो क्या होता है, सही आंसर पता चलने पे आपका दोबारा वो क्वेश्चन क्या है, इतनी आसानी से गलत नहीं होता है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा, अभीष्ट में क्या होगा, कौन सी संधि होगी, तो अभिधन ईष्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, ईष्ट अभी दोनों शब्द का अर्थ यहाँ पे आ भी कट जाएगा, ठीक है, अभिधन ईष्ट कट जाएगा, यहाँ पे ईष्ट लिखा है ये भी कट जाएगा, देखिएगा सीधे सीधे आपको आंसर क्या निकल रहा है, अभिधन ईष्ट, ठीक है। तो 8 का ए हो जाएगा सही जवाब, 8 का ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा तीन विकल्प तो ऐसे ही कट जाएगा, ईष्ट नहीं होगा, ईष्ट नहीं होगा, यहाँ पे ईष्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं स्वर संधि के कितने प्रकार की होती है, फिर वही क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो बता चुके हैं स्वर संधि के कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में कौन कौन से हैं, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में कौन कौन सा है, दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद में कौन सी बताइएगा, दीर्घ के बाद में आपकी आती है कौन सी, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि के बाद में आपकी कौन सी आती है बताइएगा, वृद्धि स्वर संधि के बाद में आपकी आती है, सॉरी यहाँ पे आती है दूसरे नंबर पे गुण, ठीक है। तो इनको क्रम आगे कर लीजिए, गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, और गुड़ स्वर संधि के बाद में कौन सी आएगी आपकी बताइएगा, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि के बाद में आपकी कौन सी आएगी, यड़ स्वर संधि के बाद में आपकी आएगी कौन सी, अयाद स्वर संधि, कौन सी, अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। अब आपको उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आगे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो इससे रिलेटेड अब आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत होने वाला नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 प्रकार की होती हैं। अगर यहीं पर बात करें हम संधि के कुल कितने भेद होते हैं, संधि के कुल कितने, संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्वर संधि, कौन सा है, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी क्या होती है बताइएगा, दूसरी होती है आपकी क्या, व्यंजन संधि, कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। और जो तीसरी संधि की बात करें तो तीसरी संधि कौन सी होती है आपकी, तीसरी संधि हो जाती है विसर्ग संधि, कौन सी हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है आपकी तीसरी संधि, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी सभी को। तो अगर पूछे स्वर संधि के कितने भेद है, तो कुल कितने भेद है, 3 कौन है, स्वर संधि, व्यंजन, और क्या है, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे स्वर संधि की बात कर रहा है, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ये आपके दिए गए हैं यहाँ पे 5 भेद, ठीक है।
तो जितने लोग लाइव हैं तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, इन वीडियो को शेयर करिए भाई। सब अगर चीज़ें आपको मिल रही हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर वे, ऑर्गेनाइज तरीके से, तो आपका सिलेबस जो है पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप दोस्तों को बस इतनी तो मदद कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर करें, फ्रेंड को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विपत्त धन जाल में कौन सी संधि। अब देखिए विपत्त धन जाल तो क्या क्या होता है, ता का अपने, जब ता होता है उसके बाद में कोई व्यंजन होता है, तो व्यंजन के बाद में क्या होता है उसका परिवर्तन हो जाता है, ता का किसी में परिवर्तन, जो व्यंजन दूसरा दूसरा शब्द होता है उसी का आधे में परिवर्तन हो जाता है, जैसे विपत्त धन जाल, तो यहाँ पे जा का क्या हो जाएगा आधा जा, और क्या हो जाएगा जुड़ जाता है। ठीक है, तो व्यंजन संधि का नियम है, तो संधि वाले टॉपिक में आप सभी को पढ़ा चुके हैं, तो आप थ्योरी क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, थ्योरी की क्लासेस आप जरूर देखिएगा, उन क्लासेस को आप जब देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आपको आसानी की सुविधा होगी और आप अच्छे से चीज़ों को कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा सही जब विपत्त धन जाल, आप देखिएगा जहाँ पे आपको लास्ट में, लास्ट जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, जो पहला शब्द होगा, ठीक है, पहला शब्द जो होगा, पहले शब्द का अंतिम जो अक्षर है, पहले शब्द का क्या होगा अंतिम जो अक्षर होता है, अंतिम अक्षर होता है वो क्या होता है, अगर कोई व्यंजन होता है, क्या होता है कोई व्यंजन होगा तो क्या होगा वहाँ पे हल चिन्ह आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लास्ट में हल चिन्ह देखने को जरूर मिलेगा, जिससे हम क्या पता करेंगे व्यंजन संधि। अगर पहले वर्ड में क्या है आपको व्यंजन दिख जाए, दूसरे में व्यंजन या स्वर दिख जाए, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा तो बताइएगा यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, तो सही जवाब क्या होगा आपका 10 का जो है क्या हो जाएगा बी इज राइट आंसर, 10 का बी क्या होगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है कि संहार में कौन सी संधि विच्छेद होगा, तो संहार का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा समधन क्या होगा, समधन क्या होगा हार होगा, क्या होगा समधन हार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सही जवाब संधन हार, संधन हार तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है समधन हार, समधन हार तो यहाँ पे क्या होगा पहला शब्द जो होगा स्वर रहित होगा, यानी कि व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समधन हार हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा, चलिए सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्या होगा सही जवाब समधन हार इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और अगले क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो संधि का प्रकार नहीं है कौन सा, तो बताइएगा कौन सा निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जैसे नहीं दिखे आपको क्या करना है सबसे पहले गोला बनाना है, कह रहा है स्वर संधि, व्यंजन संधि, अनुसार और क्या है विसर्ग, तो बताइएगा कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है संधि के भेद, तो संधि के भेद में कौन कौन सी संधि होती है बताइएगा, संधि के अगर हम भेद की बात करें तो कौन कौन से भेद होते हैं, तो संधि के भेद के बारे में बात करें तो कितने भेद बताए गए, कुल 3 भेद बताए गए, 3 भेद कौन कौन से हैं, तो 3 भेद जो आपके हैं कौन कौन से तो बताइएगा, सबसे पहला जो है क्या होता है आपका स्वर संधि होता है, क्या होता है स्वर संधि होता है, दूसरा क्या होता है बताइएगा, दूसरा जो है व्यंजन संधि होता है, क्या होता है व्यंजन संधि होता है, और तीसरा जो भाग है वो क्या होता है आपका विसर्ग संधि, क्या होता है विसर्ग संधि होता है, क्या होता है विसर्ग संधि होता है, यहाँ पे तीनों भाग हो गए। अगर अब बात करें स्वर संधि के, तो स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइएगा, आप सभी को बता चुके हैं कई बार बता चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद में कौन सी होती है तो बताइएगा दीर्घ स्वर संधि के बाद में गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि के बाद में कौन सा हो जाता है, गुड़ स्वर संधि के बाद में कौन सा हो जाता है बताइएगा, गुड़ के बाद में आपकी वृद्धि हो जाती है, वृद्धि के बाद में कौन सी हो जाती है तो बताइएगा वृद्धि के बाद में यड़ हो जाती है, यड़ के बाद में क्या हो जाती है अयाद हो जाती है, क्या हो जाती है अयाद स्वर संधि हो जाती है। तो इतने आपके स्वर संधि के भेद हैं, तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो संधि के भेद कौन कौन से हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कुल 3 भेद होते हैं, और दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है अनुस्वार आपका भेद नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा गलत होगा, यानी कि इसका 12 का क्या हो जाएगा सी सही जवाब होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है 12 का सी जो है वो सही नहीं है। तो ये क्या है अनुस्वार क्या होते हैं, तो अनुस्वार जो होते हैं आपके अनुस्वार और क्या होते हैं विसर्ग होते हैं, क्या होते हैं अनुस्वार और क्या होते हैं अनुस्वार और विसर्ग जो क्या होते हैं बताइएगा, ये आपके अयोगवाह होते हैं, क्या होते हैं अयोगवाह, अनुस्वार में हम क्या लिखते हैं अन लिखते हैं,
और विसर्ग में क्या लिखते हैं, अयोगवाह, ठीक है, आह लिखते हैं। तो ये क्या है आपके अनुस्वार और क्या है विसर्ग जो है आह आपका होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है कौन सा नहीं है, जगत धन अम्बा विद्या धन आलय। आपको बताया गया है कि दूसरे और तीसरे वर्ण पे आपको क्या दिख जाए, दीर्घ आ दिख जाए, दीर्घ ई दिख जाए, और क्या दिख जाए, दीर्घ उ दिख जाए। तो वहाँ पे क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जगत धन अम्बा में क्या है, व्यंजन संधि है, समधन तोष में, अहम धन कार में क्या हो जाएगा, व्यंजन, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। और यहाँ पे विद्यालय में क्या होगा, विद्यालय में आपकी क्या हो जाएगी बताइएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा क्या होगा सही जवाब, दीर्घ स्वर संधि आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी जो है 13 का क्या होगा सही जवाब, 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है सदानंद में कौन सी संधि है, तो सदानंद में कौन सी संधि है तो बताइएगा, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, संधि विच्छेद करना है। तो सदानंद का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सदानंद, ठीक है, तो क्या होगा, सदानंद को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ता का परिवर्तन होता है किसमें, ता का परिवर्तन होता है दा में, ठीक है। अपने जो पहला वर्ड होता है किसी भी वर्ग का पहला वर्ड जो होता है वो किसमें, अपने तीसरे वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो तीसरा वर्ड क्या है, जैसे ता है, था है, फिर क्या है, दा है, दा है और ना है। अब यहाँ पे देखिएगा पहला वर्ड है किसी वर्ग का, यानी कि ता वर्ग का पहला वर्ड है और तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो गया, क्या हो जाएगा, दा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका विभाजन करेंगे तो दा क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा, सत धन क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत धन आनंद। तो इसे इसी को किसमें परिवर्तित होता है, तीसरे वर्ड में, ठीक है। तो सा हो जाएगा, ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ स्वर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा। तो कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। और संधि कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे संधि हो जाएगी क्या, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा आपका, आप व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ता है और आनंद है, ठीक है, तो सातानंद हो जाता, सतधन आनंद हो जाए, सदा सदानंद है, ठीक है। तो व्यंजन संधि में होगा जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, जो पहला शब्द होगा, पहला शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें स्वर नहीं होगा। अगर स्वर हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये लिखा है, मान लेते हैं सत लिखा है, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ये ता अभी क्या है, आ स्वर है यहाँ पे, क्या है, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा बताइएगा, सा के साथ में हमारा क्या निकलेगा, आ स्वर, ये हल चिन्ह लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ता, ता के साथ में हल चिन्ह लगा देंगे, क्या निकलेगा हमारा, आ निकलेगा। जब हम स्वर रहित कर देते हैं व्यंजन में, क्या होते हैं, व्यंजन के मेल से क्या, पहला जो जो पहला मतलब जो संधि विच्छेद होगा उसमें जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ड क्या होगा, व्यंजन होगा, ठीक है। दूसरा जो शब्द होगा उसका पहला वर्ड क्या हो सकता है, स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत धन आनंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 14 का ए क्या होगा, सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय यहाँ पे देखिएगा तीसरा वर्ड है, कौन सा है बताइएगा, आ है। कौन सा है, यहाँ पे दीर्घ स्वर है, कौन सा है, दीर्घ आ है। आपको बताया गया है जहाँ पे आपको दूसरे या तीसरे वर्ड में दीर्घ आ, दीर्घ ई या फिर दीर्घ उ दिख जाए तो क्या होंगे, वहाँ पे कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब जब यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दीर्घ स्वर संधि अयाद वृद्धि और क्या यण। तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि 15 का जो ए है वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिधन उदय, अभिधन उदय में संधि विच्छेद कीजिए। क्या करना है, यहाँ पे संधि करना है, संधि विच्छेद तो पहले से दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ई है और क्या है, ऊ है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका नियम लगता है कौन सा, यड़ स्वर संधि का। तो यड़ स्वर संधि क्या कहती है, यड़ स्वर संधि कहती है ई होती है, तो क्या परिवर्तन होता है, या होता है। जहाँ पे ऊ होता है वह परिवर्तन होता है, और री होती है उसका किस में परिवर्तन हो जाता है, रा में परिवर्तन हो जाता है। ई का या में, ऊ का वा में, और री का किस में होता है, रा में। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है, तो अभी में हम क्या करेंगे, जब इस अभी प्लस क्या लिखा है, उदय लिखा है, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, अभी लिखा है प्लस क्या लिखा है, उदय लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी में से क्या करेंगे, इसको वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है, भा होगा प्लस स्वर रहित हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ई स्वर निकलेगा, कौन सा, छोटी ई निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, उदय निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आधा हो जाएगा, ई का किस में परिवर्तन हो जाएगा, नियम कहता है ई का परिवर्तन हो जाएगा किस में, या में। तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये स्वर रहित हो जाएगा, तो आधा भा हो जाएगा, और ई या में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्वर है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा, अभ्युदय बनेगा, क्या बनेगा, अभ्युदय बनेगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अभ्युदय यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यड़ स्वर संधि होगी, तो यहाँ पे आपको जो दूसरा तीसरा वर्ड मिलेगा लगभग वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको हाफ मिलेगा, ठीक है, हाफ मिलेगा। और आपको तीसरे, दूसरे या तीसरे वर्ड पे क्या देखने को मिलेगा, दूसरे या तीसरे वर्ड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तीसरे वर्ड पे आपको देखने को मिलेगा क्या, या वा, और क्या होगा, या वाद, और क्या मिलेगा, रा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको दूसरे तीसरे वर्ड पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि की पहचान कीजिए। तो स्वर संधि की हमें पहचान करना है, कौन सा है, स्वेच्छा, स्वेच्छा है, संयोग है, दिग्धन दर्शन है, उज्ज्वल है, ठीक है। तो बताइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा जा जा है, ठीक है, और क्या है, गा है, काका दिक्धन दर्शन, काका गा में परिवर्तन, समधन योग, ये सभी क्या है, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है, किसके हैं, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। और जो स्वेच्छा है ये आपका किसका है, स्वर संधि का है, और स्वर संधि में कौन सी है, तो बताइएगा स्व प्लस क्या होगा, इच्छा होगा, क्या होगा, स्व प्लस इच्छा होगा, ठीक है, स्वेच्छा। तो कौन सी हो जाएगा, स्वर संधि का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बताइएगा, यहाँ पे बनेगा सु, क्या बनेगा, सु प्लस क्या बनेगा, इच्छा बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, सु प्लस क्या बनेगा, इच्छा बनेगा। उसके बाद में ऊ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, वा में, क्या हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, क्या हो जाएगा, 17 का ए आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद करना है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, कह रहा है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दूसरा और तीसरे वर्ड पे क्या दिख रहा है, एक चुटैया दिख रही है, तो किसका होगा बताइएगा, किसका होगा, गुड़ का होगा, किसका होगा, गुड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा, गुड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। आपको बताया गया था गुड़ स्वर संधि में क्या होता है, ए होता है, ठीक है, और क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। तो गुड़ ए होता है, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ओ हो जाएगी, ठीक है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ओ हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए, और क्या हो जाएगा, ओ, तो ये दो मात्राएं हो जाएंगी, ये कौन सी होती हैं, गुड़ स्वर संधि। तो दूसरे या तीसरे वर्ड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ओ की मात्रा देखने को मिलेगी या ए की मात्रा देखने को मिलेगी, तो ये क्या हो जाते हैं, तो बताइएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, महाधन क्या हो जाएगा, महाधन क्या हो जाएगा, उत्सव, ठीक है। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, तो ओ बनता है, किससे, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है आपका, ओ बनता है, क्या बनता है, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, और आ के साथ में अगर हम ई जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारा, ए बनता है, ठीक है। और अगर इसी आ के साथ में हम ए जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, आय बन जाता है, वृद्धि हो जाती है। और आ के साथ में हम इस ओ को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, औ बन जाता है, क्या बन जाता है, औ बन जाता है, ये भी क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, महा ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये ऊ हो जाएगा, तो इसको मिलकर क्या बन जाएगा आपका, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, महोत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, 18 का जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मतैक्य, ठीक है, जहाँ पे आपको दो चुटिया दिख जाए, जहाँ को आपको इस प्रकार से दो चोटी दिख जाए,
ठीक है, या फिर इस प्रकार से दिख जाए तो वहां पे क्या होता है आपकी बताइएगा, तो वहां पे आपकी होती है क्या वृद्धि स्वर संधि, क्या होती है वृद्धि स्वर संधि होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मत धन क्या हो जाएगा, मत धन क्या हो जाएगा, मत धन क्या हो जाएगा एक के हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक के हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मतैक के बन जाएगा, ठीक है, मत धन एक के हो जाएगा, तो क्या बनेगा अब यहाँ पे क्या निकलेगा आ निकलेगा, फिर यहाँ पे क्या निकलेगा ए, और क्या आ ए मिलकर क्या बन जाएगा आय बन जाएगा, ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहे हैं महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा महेंद्र, अब देखिएगा आपको दूसरे शब्द पे क्या मिल रहा है एक चौटैया मिल रही, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है आ बनेगा पहला प्लस क्या बनेगा ई बनेगा, आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है हमारा ए बनता है, क्या बनता है ए बनता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है ए बनता है, ठीक है, लेकिन जो दोनों संधि विच्छेद होता है वहाँ पे और या आ प्लस दीर्घ आ प्लस ई भी मिलकर क्या बनेगा आपका ए ही बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो दोनों संधि विच्छेद में क्या होता है जब हम करते हैं तो दोनों शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा ई प्लस ई मिलकर बनेगा तो ये क्या बनेगा इसका तो महेंद्र बनेगा, क्या बनेगा महेंद्र बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा महधन इंद्र, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता माहे कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, तो महाधन क्या हो जाएगा इंद्र, क्या हो जाएगा महाधन इंद्र हो जाएगा, तो महा का क्या बनेगा बताइएगा महाधन इंद्र में क्या होगा महा का ये आ निकल आएगा और यहाँ का ई निकल जाएगा और क्या बनेगा ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, और ये चुटैया कहाँ पे आ जाएगी हाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 का क्या होगा ए इज राइट आंसर, यानी कि 20 का ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, संधि के कुल कितने भेद हैं, तो बताइएगा संधि के कुल कितने भेद हैं, आपको बताया गया है कितने भेद हैं तीन भेद हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहला भेद कौन सा है स्वर संधि, ठीक है स्वर संधि है, ठीक है स्वर संधि है, दूसरा कौन सा भेद है स्वर संधि के बाद में कौन सी आती है आपकी व्यंजन संधि आती है, व्यंजन संधि के बाद में कौन सी आती है बताइएगा आपकी, तीसरी जो संधि है कौन सी आती है विसर्ग संधि, कौन सी आती है विसर्ग संधि आती है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुल कितने भेद हैं, तो एक हो गया दो हो गए और कितना हो गया तीन हो गया, ठीक है, तो संधि के कुल कितने भेद हैं तीन हैं, कौन कौन से हैं स्वर है स्वर संधि है विसर्ग संधि और क्या है व्यंजन संधि, और स्वर संधि की बात करें अगर स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं कुल पाँच भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं बहुत बार बता चुके हैं एक बार और बताएंगे इसके बाद नहीं बताएंगे, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद में कौन सी आती है आपकी बताइएगा गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि के बाद में कौन सी आती है आपकी विसर्ग स्वर संधि, कौन सी आती है और विसर्ग स्वर संधि बता रहे हैं, दीर्घ के बाद में आपकी आती है वृद्धि स्वर संधि, गुड़ के बाद में वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि के बाद में कौन सी आती है यड़ आती है, यड़ के बाद में कौन सी आती है अयाद स्वर संधि आती है, कौन सी आती है अयाद स्वर संधि आती है, तो ये क्या है संधि के भेद हैं, ठीक है कितने हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं पांच हैं, अगर संधि की बात करें तो कुल कितने भेद हैं तीन हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा तीन जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है निष्कपट यानी कि निधन कपट, तो विसर्ग का सा में परिवर्तन होगा, कौन से सा में परिवर्तन होगा निस्धन कपट, जो का आता है तो उसका किस में परिवर्तन हो जाता है ठीक है इसमें हो जाता है मूर्धनिषा में, ठीक है तो क्या हो जाएगा तो इसमें संधि का भेद है कौन सी है विसर्ग है, कौन सी है विसर्ग है, जहाँ पे आपको पहले विसर्ग दिख जाए तो क्या हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है विसर्ग यानी कि जो पहला वर्ड होगा पहला शब्द होगा पहले शब्द का जो अंतिम में लास्ट में होगा विसर्ग देखने को मिले तो वहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, पहले शब्द के अंतिम में अगर आपको स्वर दिखे तो स्वर संधि का भेद होगा, पहले शब्द के अगर पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है उसमें अगर आपको क्या दिखे आपको कोई व्यंजन दिखे पहले शब्द के अंतिम वर्ड कोई व्यंजन दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी थ्योरी की क्लासेस सभी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, ठीक है तो आप सभी लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ में अपने जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट बना के
प्रैक्टिस करते रहें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सभी क्लासेस आपको आरआरयू क्लासेस पे मिल रही हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बाकी का जो सिलेबस है आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो चुका है, अमित सर लेते हैं ठीक है, और हिंदी का हमारे साथ में है। साथ में अगर कंप्यूटर SI ASI या कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर की क्लासेस हमारे द्वारा ली जा रही हैं। साथ साथ में GS आपके अवनीश सर ले रहे हैं। बहुत सारे सभी टीचर क्या हैं, प्रॉपर तरीके से अपने आप में एक्सपर्ट हैं, अपनी जो उन अपने सब्जेक्ट के विषय मतलब हर अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। तो चलिए, तो हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आप लोग केवल प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए और जुड़े रहिए एग्ज़ाम को सॉरी आरआरयू क्लासेस पे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं निष्कपट में कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या होगा, 22 का जो है बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रद्धा आनंद में, ठीक है, श्रद्धा धन आनंद में कौन सी संधि होगी। तो बताइएगा, श्रद्ध धन आनंद, श्रद्धा धन नंद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श्रद्धा धन आनंद हो जाएगा। ठीक है, दोनों शब्द का अपना अर्थ है और दोनों शब्द क्या है अपने आप में सार्थक है। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्द का अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, पहले शब्द में नंद का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और वहाँ पे दूसरे शब्द में श्रा, ठीक है, और ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। ठीक है, श्रद्ध धन आनंद, ठीक है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है तीसरे चौथे वाले विकल्प का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, सही जवाब जो हो जाएगा 23 का क्या होगा, बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइएगा, निम्नलिखित में से अयाद संधि का है, तो अयाद संधि क्या है बताइएगा, अयाद संधि के बारे में बताया गया है क्या, जहाँ पे आपको हलंत चिन्ह दिख जाए तो हलंत चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे, किसके भेद होते हैं। जहाँ पे हल चिन्ह दिख जाए वो किसका होता है, व्यंजन संधि का होता है। किसका होता है, व्यंजन संधि का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक अपने आप में, दो ऑप्शन आपके कट गए, 50-50 का है तो तुक्का लगाना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यथा यथा धन एव, तो क्या हो जाएगा, यथाव क्या हो जाएगा, आ प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ठीक है, यथाव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, वृद्धि का हो जाएगा। यहाँ पे नौ धन इक है, तो नौ धन इक आपको बताया गया था कि जब आपका अयाद संधि में क्या होता है, अयाद संधि में जो ए है किसमें परिवर्तन हो जाता है, आय में हो जाता है, किसमें हो जाता है, आय में हो जाता है, किसमें हो जाता है, आय में, और जो आपका आय है वो किसमें हो जाता है, आय में हो जाता है, और आपका जो ओ है वो किसमें हो जाता है, औ में हो जाता है, क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और जो आपका औ है, ठीक है, औ ये किसमें हो जाता है, आव हो जाता है, क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो यहाँ पे बताइएगा, औ है तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, अब इसके साथ में क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, सॉरी नौ ना हो जाएगा, ना के साथ में अगर हम इसको स्वर रहित करेंगे क्या हो जाएगा बताइएगा, औ हो जाएगा, ठीक है, औ स्वर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औ का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो बताइएगा ये जो औ है किसमें परिवर्तन हो जाएगा, औ में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, आव में। अब इसको हमने स्वर रहित किया और आव बाहर निकाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। अब इसको हम अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अभी तो ये बना है क्या, नाव, ठीक है, क्या बना है, नाव बना है, लेकिन जब इसमें हम इक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बताइएगा, ये जो इक है वो इसमें जुड़ जाएगा, किसमें जुड़ जाएगा, वह में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, नाविक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नाविक इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा अयाद संधि का भेद है, तो भेद कौन सा हो जाएगा, नौ धन इक क्या हो जाएगा, नाविक। क्वेश्चन नंबर 25 का डी जो होगा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, नौ धन इक क्या बन जाएगा आपका, नाविक बन जाएगा, ठीक है। 24 का क्या होगा, डी इज राइट आंसर। यहाँ पे 24 का क्या होगा, डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो बताइएगा कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, उद्धरण, उतधंधरण, विगत धन जाल, विगजाल, तद्धित, और क्या है, रसायन, ठीक है। तो रस धन आयन मिलकर बना है, दूसरे शब्द में क्या मिल रहा है, दीर्घ आ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। और आपको बता दें व्यंजन संधि में जहाँ पे आपको क्या हो, ज़्यादातर आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण मिलेगा, तीसरा वर्ण मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण मिल सकता है, हाफ मिलेगा वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तत्धन धित
और क्या है रसाधन आयन, ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या होगा 25 का डी है, क्या होगा सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सी विसर्ग संधि है, निस्धन कर्म, ठीक है समधन योग, सदाधन एवं गिरधन ईस हो जाएगा। तो बताइएगा क्या होगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें सात से परिवर्तित नियम होता है, ठीक है निस्धन कर्म, ठीक है जब आपको का दिख जाता है तो ये जो विसर्ग है किसमें परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य सा में, किसमें परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होगा सॉरी हो जाएगा, ठीक है तो बहुत ही बेहतरीन, तो इसका ए जो है क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भुर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो भुर्जा आपको दिख रहा होगा कि भू है प्लस क्या है ऊर्जा है, तो ठीक है भू की जो ऊर्जा होगी संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या है पहले वर्ड पे क्या दिख रहा है ऊ की मात्रा दिख रही, किसकी दीर्घ ऊ की मात्रा दिख रही, तो किस संधि का भेद हो जाएगा, तो ये दीर्घ स्वर संधि का भेद हो जाएगा। अगर इसको हम ओ करें तो क्या बनेगा देखिएगा, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो भू यानी कि भूमि की क्या बनेगा ऊर्जा बनेगा, भूमि की ऊर्जा, ठीक है तो क्या बनेगा अब यहाँ का ये दीर्घ ऊ, ठीक है प्लस ये क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ मिलकर क्या बन जाएगा आपका दीर्घ ऊ मिल जाएगा, और इसमें जुड़ जाएगा क्या बनेगा भू प्लस क्या बनेगा जा, ठीक है क्या बनेगा भूर्जा बनेगा, क्या बनेगा भूर्जा, जो भूमि की ऊर्जा होगी क्या बन जाएगा भू ऊर्जा हो जाएगा। तो 27 का क्या होगा 27 का जो सी है वो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पयोधिका संधि विच्छेद होगा, तो पयाधन क्या होगा पयोधिका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो क्या होगा पयधन क्या होगा उदधि होगा, पयधन दधि होगा, पयधन धी होगा, या फिर क्या होगा पयधन दधि होगा। तो बताइएगा सभी लोग इसका सही जवाब क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन, तो आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए बताइएगा, तो क्या होगा सही जवाब इसका, तो पयोधि का सही जवाब क्या होगा, तो आपको बता दें जहाँ पे क्या दिखे पय दिखे, ठीक है यश दिखे, यश दिखे मनह दिखे, मना दिखे और क्या दिखे, तो ये इस प्रकार के पय हो गया यस हो गया जहाँ पे मना दिखे, और वहाँ इस यहाँ पे कौन सी होती है आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि होती है, ठीक है और तो यहाँ पे क्या होगा पयाधन दधियो, और यहाँ पे कह रहा है पयाधन उदधि पयधन दधि, तो आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, क्या हो जाएगा पयधन दी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा ओ में होगा, क्या होगा ओ में परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग का, तो यहाँ पे क्या होगा जहाँ पे पय हो यस और क्या मना हो तो वहां पे क्या होता है विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है ओ में, तो यहाँ पे पय में क्या हो जाएगा पय और ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो पयो हो जाएगा, और इस धी को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पयोधि बन जाएगा, क्या बन जाएगा पयोधि बन जाएगा। तो 28 का क्या होगा 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है 28 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बताइएगा किसी को किसी प्रकार की दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप सभी लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई अगर आप क्लासेस को ऐप में देखना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप क्लासेस को क्या कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बताइएगा क्या होगा सही जवाब, अगले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है बहुत ही बेहतरीन, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका सही जवाब क्या होगा अतियुक्त में संधि विच्छेद होगी, तो बताइएगा अतिधन युक्ति, अब आपको पता है कि पहला वर्ड क्या हो जाएगा दूसरा वर्ड क्या होगा आधा होगा, और वहां पे क्या दिखे या दिखे वा दिखे और क्या दिखे रा दिखे, तो कौन सी संधि होती है, तो बताइएगा वहां पे आपको यड़ संधि दिखती है, ठीक है तो यड़ संधि में क्या होता है ई का परिवर्तन किस में होता है, ई का हो जाता है किस में या में, ऊ का किस में हो जाता है वा में हो जाता है, और जो री है री का परिवर्तन किस में हो जाता है रा में हो जाता है, ठीक है ई का या में ऊ का वा में और री का परिवर्तन क्या हो जाता है रा में, तो यहाँ पे क्या देखिएगा अतिधन उक्ति होगी, ठीक है अतिधन उक्ति, अतिधन क्या हो जाएगा उक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अति यहाँ पे ई स्वर निकलेगा तो ई किस में परिवर्तन हो जाएगा
यहाँ पे अस्वर निकल जाएगा तो आधा ता हो जाएगा, और ई का परिवर्तन हो जाएगा किसमें, या में, ठीक है। तो ये या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये उ यहाँ पे लग जाएगा, फिर क्या बनेगा, उक्ति बनेगा, ठीक है, अत्युक्ति हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताइएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा यण स्वर संधि, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सरयू सरयू उर में, ठीक है, सरयूर में संधि विच्छेद होगा, तो सरयू में कौन सी संधि विच्छेद हो, संधि होगा बताइएगा। आपको बताया गया जहाँ पे दूसरे या तीसरे वर्ड पे दीर्घ आ दीर्घ ई या फिर दीर्घ उ दिख जाए, दीर्घ आ दीर्घ ई या फिर क्या दिख जाए, दीर्घ उ दिख जाए, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती, तो बताइएगा वहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाती है। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा इसका, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि 30 का जो होगा क्या होगा, ए इज राइट आंसर। तो 30 का ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा शास्त्र का समुचित छंद संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइएगा साथ साथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ता का जब होता है, जब ता के साथ में क्या होता है, ये ता का नियम है व्यंजन संधि में, जब ता के साथ में क्या आता है, तालव विषा आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, तालव विषा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ता चा में परिवर्तित हो जाता है, आधा चा में, और क्या होता है, जो आपका छा होता है, जो आपका सा होता है, किसमें बदल जाता है, छा में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चा छा हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो मात्राएं हैं वो आपकी वैसे ही लग जाएंगी, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, सच्छात्र हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उड्डयन उत्धन डयन, तो उड्डयन का कौन सी संधि होगी, तो उड्डयन में अगर हम बात करें संधि की, तो कौन सी संधि हो जाएगी बताइएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्धन क्या होगा, डयन होगा, क्या होगा, उत्धन क्या हो जाएगा, डयन हो जाएगा, उत्तधन क्या हो जाएगा, डैन हो जाएगा। तो ता का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, डा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, सही जवाब क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा सही जवाब, 32 का ऑप्शन नंबर उत्तधन डयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 32 का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन जो ए है, ऑप्शन ए है, वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। महाधन ईश, तो महीश में कौन सी संधि होगी, तो बताइएगा, महाधन ईश, तो महा है प्लस क्या है, ईश है, तो महा के साथ में ईश है। अब देखिएगा माँ से अगर हम हा से क्या करें, स्वर को अलग करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, फिर क्या है, यहाँ से स्वर को अलग कर ले, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सा, और आ को अगर हम ई से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो इस ए को हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे हा पे, तो क्या बन जाएगा, महेश, क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा, ठीक है। और इस सा को यहाँ पे जोड़ दिया, और ये माँ यहाँ पे, हाँ पे हमने क्या किया, ये स्वर रख दिया, तो क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा बताइएगा, 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछे कौन सी संधि होगी, तो बताइएगा कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे गुड़ स्वर संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ स्वर संधि यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुड़ स्वर संधि सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अनविच्छण का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा, अनुधन इच्छण, अनुधन विच्छण, अनुधन एच्छण, तो बताइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वी का वा का किसमें परिवर्तन होगा, ऊ का किसमें परिवर्तन हो रहा है, वा में, किसमें, वा में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या होगा, अनु तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनु प्लस क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिएगा ई की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे ए हट ही जाएगा, क्या बनेगा, ई की मात्रा बनेगी, ठीक है। अनु के साथ में ये स्वर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये आधा ना हो जाएगा, ठीक है, ये आधा ना हो जाएगा। जो ऊ स्वर है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वा में, और ये जो ई क्षण है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगी, और ये कच्छा, और क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, 34 का जो सी है वो क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 34 का जो सी है वो क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं गौस चरित्र, ठीक है, गौस धन चरित्र, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि हो जाएगी, तो बताइएगा, संधि आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, और विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तालव विषा में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा,
तालव विसामे हो जाएगा तो सही जवाब क्या होगा, गौश चरित्र हो जाएगा, ठीक है, चरति हो जाएगा, ठीक है, गौश चरति हो जाएगा, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि 35 का क्या हो जाएगा, 35 का सी जो है सही जवाब हो जाएगा। तो किसी को कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या तो बताइएगा, अगर किसी को कोई समस्या ना हो तो एक बार आप सभी के कमेंट देख ले, ठीक है। तो अभी कोई किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, और अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, संधि के पार्ट टू के साथ में, और प्रैक्टिस हम लोग 150 क्वेश्चन करीब करीब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है, इसके बाद में हम लोग फिर अगले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।